फ्रेंड्स 23 दिसंबर को मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको 6 पावरफुल हाईली इंडेक्सेबल गूगल बैकलिंक्स के बारे में बताया था। तो इसमें मैंने आपको ये बताया था कि गूगल के जो बैकलिंक्स होते हैं वो हाईली इंडेक्सेबल होते हैं। तो जो मैंने बैकलिंक्स बनाए थे उसमें से मेरे जो बैकलिंक है वो इंडेक्स हो चुके हैं। ये देखिए यहाँ पर मेरा बैकलिंक है जो मैंने ब्लॉगर पे बनाया था और ये यहाँ पे इंडेक्स हो चुका है। आप यहाँ पे डेट देख सकते हैं 23 दिसंबर 2022। तो आज मैं आपको बैकलिंक इंडेक्स करने के मेथड्स बताने वाली हूँ कि आप कैसे कैसे अपने बैकलिंक्स को इंडेक्स कर सकते हैं, वो कौन कौन से प्लेटफॉर्म है और किस तरह से आप अपने बैकलिंक्स को इंडेक्स कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि गूगल के जो बैकलिंक्स होते हैं वो हाईली इंडेक्सेबल होते हैं, तो जो ब्लॉगर है वो गूगल का ही पार्ट है। तो सबसे पहले जो बैकलिंक्स, सबसे पहला जो हमारा मेथड है वो मेथड है हमारा कि हम ब्लॉगर पे ब्लॉगर का यूज करके अपने बैकलिंक्स को इंडेक्स करेंगे। तो ब्लॉगर का यूज करके अपने बैकलिंक्स को इंडेक्स करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे न्यू पोस्ट क्रिएट करना होगा। पोस्ट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे टाइटल देना है। टाइटल के बाद आपको यहाँ पे अपने कंटेंट लिखने हैं थोड़े से। कंटेंट लिखने के बाद हमें क्या करना है, इसमें हमें अपना बैकलिंक क्रिएट करना है। ब्लॉगर पोस्ट के अंदर हम अपने 3 बैकलिंक्स इंडेक्स कर सकते हैं, 2 कॉन्टेक्चुअल और 1 नकेड URL। तो कॉन्टेक्चुअल बैकलिंक बनाने के लिए आपको पता ही है कि इसमें बैकलिंक कैसे क्रिएट करना है। अब आपका ये क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे हम कौन से बैकलिंक्स को इंडेक्स करें। तो मैंने अपने लास्ट वीडियोस के अंदर आपको जिन जिन वेबसाइट्स पे बैकलिंक क्रिएट करना बताया था उन बैकलिंक्स को आपको यहाँ पे इंडेक्स करना है। तो एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं किन बैकलिंक्स के बारे में बात कर रही हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट का वीडियो मैंने आपको अपनी लास्ट बैकलिंक वेब 2.0 वाली वीडियो में बताया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस वेबसाइट पर मेरा यहाँ पे एक बैकलिंक क्रिएटेड है, यहाँ पे भी मेरा एक बैकलिंक यहाँ पे क्रिएटेड है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये रेड कलर में शो कर रहा है, इस साइड पे भी मेरा बैकलिंक क्रिएटेड है और यहाँ पे भी बैकलिंक क्रिएट हो रखा है, ये देखिए यहाँ पर। तो हमें क्या करना है, इन्हीं वेबसाइट्स को जहाँ जहाँ पे हमने बैकलिंक क्रिएट कर रखा है इन्हीं सब बैकलिंक्स को हमें अपने ब्लॉगर पोस्ट के अंदर डालना है। तो मैंने यहाँ से एक बैकलिंक का कॉपी कर लिया है और यहाँ पे जाकर के कहीं पर भी मैं यहाँ पे अपने किसी सेंटेंस को सिलेक्ट करूंगी, लिंक पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना जो बैकलिंक लिंक है इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और फिर अप्लाई पे क्लिक कर देंगे। तो हमारा ये फर्स्ट कॉन्टेक्चुअल बैकलिंक बन गया है। दूसरा बैकलिंक बनाने के लिए मैं किसी और वेबसाइट को यहाँ से पिक करूंगी, उसका URL मैंने यहाँ से ले लिया और उसके बाद हम ले जाके यहाँ पे फिर से कहीं पर इसका एक और बैकलिंक क्रिएट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर भी सेंटेंस को सेलेक्ट कर लिया है और फिर यहाँ पे लिंक पे क्रिएट करके मैं यहाँ पे URL पेस्ट कर दूंगी। इसके बाद हमें क्या करना है, थर्ड जो मैंने क्या बताया था आपको, नकेड URL हमें डालना है। तो इस URL को हम कहीं से भी किसी भी साइट का ये वाला URL मैं कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पे नीचे लाके मैं पेस्ट कर देती हूँ। तो मैंने ये वाला URL भी पेस्ट कर दिया। अभी हमें क्या करना है, इसको पब्लिश कर देना है। तो अभी हम इसको पब्लिश करेंगे। पब्लिश करने के बाद जैसे हम अपने नॉर्मल पोस्ट को इंडेक्स करते हैं, URL इंस्पेक्ट करते हैं गूगल सर्च कंसोल में जाके, वैसे हमें इसे भी करना है। तो हमने इस पोस्ट का URL कॉपी कर लिया है। URL कॉपी करने के बाद हमें जाना है URL इंस्पेक्शन में और यहाँ पर इस वाले पोस्ट का URL इंस्पेक्ट कर देना है। जब आप इंस्पेक्ट करेंगे तो यहाँ URL इज नॉट ऑन गूगल शो करेगा, तो आपको यहाँ पर रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग करनी है, उसके बाद टेस्ट लाइव URL पे क्लिक करना है। तो अभी ये इंडेक्सिंग के लिए रिक्वेस्ट हो रहा है, आपको थोड़ा देर वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ये इंडेक्सिंग रिक्वेस्ट चली जाएगी, उसके बाद हम टेस्ट लाइव URL करेंगे। तो ये देख सकते हैं अब ये जो URL है वो इंडेक्सिंग के लिए सबमिट हो चुका है, रिक्वेस्ट हो चुकी है इसकी। इसके बाद गॉट इट पे क्लिक करेंगे और फिर टेस्ट लाइव URL पे क्लिक कर देंगे। तो अब ये देखिए ये लाइव टेस्ट हो चुका है। अब आप देख सकते हैं URL इज अवेलेबल ऑन गूगल शो कर रहा है। जब आप ब्लॉगर मेथड का यूज करते हैं तो आपको कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना होता है, जैसे कि जब आपके ब्लॉगर के बैकलिंक्स इंडेक्स हो जाते हैं तो आपको अपने ब्लॉगर पोस्ट को डिलीट कर देना है ताकि अपने पीछे से आपको फुटप्रिंट्स ना छोड़े, या फिर आपके पास ऑप्शन है कि आप ओल्ड पोस्ट को ही एडिट कर दीजिए और उसमें न्यू बैकलिंक्स को इंडेक्स करने के लिए रिक्वेस्ट कर दीजिए। इस मेथड को यूज करके आप अपने 65 से भी ज्यादा % तक बैकलिंक्स को इंडेक्स करा पाएंगे। दूसरे में हम गूगल स्प्रेडशीट का यूज करेंगे। इसके लिए हमें प्लस के आइकॉन पे क्लिक करना है। इसके बाद हमारे यहाँ पे जितने भी बैकलिंक्स है उन सब बैकलिंक्स की लिस्ट को रेडी करना है। तो मैं एक एक करके अपने बैकलिंक्स यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अपने चारों बैकलिंक्स को यहाँ पे डाल दिया है। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे फाइल ऑप्शन में जाना है, शेयर पे जाना है, उसके बाद हमें पब्लिश टू वेब पे क्लिक कर देना है। इसके बाद हमें एक URL मिलता है, इस URL को हमें कॉपी करना है और इस कॉपी URL को हमें अपने GMB साइट पे जाके पब्लिश कर देना है। GMB साइट मैंने आपको बताया था जो हमारा गूगल माई बिजनेस अकाउंट है, वहाँ पे जाके हमें इसको अपने वेबसाइट सेक्शन में डालना है। मैंने आपको बताया था कि अगर आपका GMB का अकाउंट वेरीफाइड है तो
आपका ये जो बैकलिंक है वो बहुत ही इजिली इंडेक्स हो जाता है। तो हमें यहाँ पे वेबसाइट सेक्शन देखना है कहाँ पर है, यहाँ पर वेबसाइट सेक्शन में हमें ये वाला URL यहाँ पे डाल करके सेव पे क्लिक कर देना है। सिमिलरली हमें गूगल ग्रुप्स में भी जाके ये स्प्रेडशीट URL को इंडेक्स करना है, तो हमें यहाँ पे न्यू कन्वर्सेशन पे जाना है, यहाँ पे अपना URL पेस्ट करना है, ओके पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे पोस्ट मैसेज पे क्लिक कर देना है। आप देखेंगे यहाँ पे मेरा जो पोस्ट है, जो मेरी कन्वर्सेशन है, वो आ चुकी है यहाँ पर। इसके अंदर आप देखेंगे तो स्प्रेडशीट का URL मिलेगा आपको। ये देखिए यहाँ पे बैकलिंक के नाम से आपको क्लिकेबल एक लिंक दिख रहा होगा, तो यहाँ पे भी हमने अपना बैकलिंक डाल दिया है। इसके बाद हमें स्प्रेडशीट URL को गूगल साइट्स में भी जाकर के एक पेज क्रिएट करना है और वहाँ पे भी इस लिंक को पब्लिश करना है। तो हमें यहाँ पे पेजेस का ऑप्शन दिख रहा होगा। ये लास्ट वीडियो में मैंने आपको गूगल साइट्स पे साइट क्रिएट करके अपना बैकलिंक क्रिएट करना बताया था। अभी हमें यहाँ पे पेजेस पे जाना है। पेजेस के बाद हमें यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक करना है, न्यू पेज करेंगे हम और यहाँ पे न्यू पेज का नाम देंगे, डन पे क्लिक करेंगे। इस पर यहाँ पे आपको टेक्स्ट बॉक्स एडिट करने का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आप टेक्स्ट बॉक्स डाल दीजिए, यहाँ पे अपना कंटेंट लिखना है और फिर कॉन्टेक्चुअल बैकलिंक क्रिएट करना है, यानी कि जो स्प्रेडशीट का URL है वो यहाँ पे हमें लिंक में डालना है। यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस सेलेक्ट किया और यहाँ पे लिंक ऑप्शन पे जाएंगे और जो हमने स्प्रेडशीट का URL कॉपी कर रखा है वो लिंक यहाँ पे पेस्ट करेंगे और अप्लाई पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद हमें इसे भी पब्लिश कर देना है। आपका ये बैकलिंक यहाँ पर भी पब्लिश हो चुका है। इसके बाद हमें इसी लिंक को गूगल स्कॉलर पर भी जाकर के इंडेक्स करना है। तो अभी हम जाएंगे गूगल स्कॉलर पे। लास्ट वीडियो में हमने गूगल स्कॉलर पे भी अपना अकाउंट बनाया था, तो हमें यहाँ पे एडिट ऑप्शन पे जाना है और होम पेज ऑप्शन में अपना स्प्रेडशीट का URL डाल देना है। मैंने यहाँ पे स्प्रेडशीट URL डाल दिया और फिर सेव पे क्लिक करना है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे चारों के चारों जो बैकलिंक्स URLs थे वो यहाँ पे दिख रहे हैं। तो ये दोनों मेथड करने के बाद जो थर्ड मेथड है उसमें आपको बैकलिंक इंडेक्सर का यूज करना है, यानी कि गूगल पे जाएंगे आप और डालेंगे बैकलिंक इंडेक्सर, तो आपको बहुत सारे ऐसे पेड बैकलिंक इंडेक्सर मिल जाएंगे जो कि पैसे लेकर के आपके बैकलिंक्स को इंडेक्स करते हैं। तो उसमें $7 से $20 तक हर मंथ वो चार्ज करते हैं। आप देख लीजिएगा, आपको यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएगी, आपको जो ट्रस्टेबल वेबसाइट लगे उस पे जाके आप अपने बैकलिंक्स को इंडेक्स कर सकते हैं। तो मैंने आपको तीन मेथड बताए हैं जिनके जरिए आप अपने बैकलिंक्स को इंडेक्स करते हैं। आज की वीडियो में अगर आपको कुछ भी समझ ना आया हो तो आप उसके लिए मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल नोटिफिकेशन को जरूर हिट कर दीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।